एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी हरीभरी घाटी में तीन बकरियां रहती थीं। ग्रुफ सबसे बड़ी और बुद्धिमान, मफ बीच की बकरी जो अपनी दयालुता और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, और टफ तीनों में सबसे युवा और सबसे साहसी। घाटी जीवंत जंगली फूलों, कलकल करते झरनों और स्वादिष्ट घास से भरपूर थी, जिसे बकरियों को चरना बहुत पसंद था। वे शांति से रहते थे, अपने परिवेश की शांति का आनंद लेते थे। एक धूप वाले दिन जब तीन बकरियां नदी के किनारे चर रही थीं, उन्होंने पहाड़ों के दूसरी ओर एक जादुई घास के मैदान के बारे में एक बातूनी गिलहरी से अफवाहें सुनी। ऐसा कहा जाता था कि यह घास का मैदान सबसे शानदार और भरपूर जगह थी, जिसकी कोई भी प्राणी कभी कल्पना नहीं कर सकता था। वहाँ की घास पन्ने जैसी हरी थी, फूल हमेशा खिले रहते थे और नदी बिल्कुल साफ थी। ग्रुफ बुद्धिमान बूढ़ी बकरी होने के नाते ऐसी जगह के अस्तित्व के बारे में सशंकित थी। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को उन खतरों के बारे में आगाह किया जो पहाड़ों के पार छिपे हो सकते हैं। लेकिन मफ अपने कोमल हृदय के साथ दुनिया के जादू में विश्वास करती थी, और साहसी टफ अन्वेषण करने के लिए उत्सुक था। ग्रुफ की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मफ और टफ ने उसे जादुई घास के मैदान को खोजने के लिए यात्रा पर निकलने के लिए मना लिया। उत्साह से भरे दिलों के साथ वे एक ऐसे साहसिक कार्य पर निकल पड़े जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यात्रा कठिन थी। वे खड़ी चट्टानों पर चढ़े, उफनती नदियों को पार किया और घने जंगलों का सामना किया। रास्ते में उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस और एकता की परीक्षा ली। ग्रुफ की बुद्धिमत्ता ने उन्हें विश्वासघाती रास्तों से निकाला, मफ की दयालुता ने उन्हें अन्य जानवरों से दोस्ती करने में मदद की, और टफ की साहसिक भावना ने उनके मनोबल को ऊंचा रखा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। उनके सामने जादुई घास के मैदान का मनमोहक दृश्य फैला हुआ था। यह उससे भी अधिक मनमोहक था जितनी उन्होंने कभी कल्पना की थी। घास वास्तव में पन्ना हरी थी, फूल हर कल्पना के रंग में खिले थे, और नदी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। तीनों बकरियां घास के मैदान में घूम रही थीं, प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट घास और फूलों की मीठी खुशबू का आनंद ले रही थीं। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उनकी नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। अंदर उन्हें गंडाल्फ नाम का एक दयालु और बुद्धिमान बूढ़ा बकरा मिला, जो सदियों से जादुई घास के मैदान का संरक्षक था। उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ अपना ज्ञान साझा किया। गंडालफ ने उन्हें बताया कि घास के मैदान का असली जादू सिर्फ इसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसे खोजने वालों की एकता, बुद्धि, दयालुता और साहसिक भावना में है। उन्होंने ग्रफ की बुद्धिमत्ता, मफ की दयालुता और टफ की साहसिक भावना के लिए प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इन गुणों ने घास के मैदान को वास्तव में जादुई बना दिया, और तीन बकरियों ने उन्हें पूरी तरह से मूर्त रूप दिया। ग्रुफ, मफ और टफ ने जादुई घास के मैदान में एक अद्भुत समय बिताया, गैंडालफ से सीखा, नए दोस्त बनाए और अपने नए ज्ञान को संजोया। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि अब अपनी घाटी में लौटने का समय आ गया है, लेकिन वे घास के मैदान की सीख और जादू अपने साथ ले गए। जब वे लौटे तो घाटी उन्हें और भी खूबसूरत लगी। ग्रुफ, मफ और टफ ने अपने कारनामों और ज्ञान को अन्य जानवरों के साथ साझा किया, जिससे घास के मैदान का जादू दूर दूर तक फैल गया। घाटी एक सौहार्दपूर्ण और जादुई जगह बन गई, जहां जानवर एकता, दयालुता और रोमांच के साथ रहते थे। और इसलिए तीन बकरियों और जादुई घास के मैदान की कहानी घाटी में एक किंवदंती बन गई, जिसने जानवरों की पीढ़ियों को ज्ञान, दयालुता और साहसी भावना के महत्व की याद दिला दी, और कैसे ये गुण किसी भी जगह को वास्तव में जादुई बना सकते हैं। और उस शांतिपूर्ण घाटी में जादुई घास के मैदान की आत्मा रहती थी, जो आने वाले वर्षों के लिए इसके निवासियों के जीवन को आकार देती थी।